टाटा मोटर्स बताती है हमारी टंकी 380 लीटर की है और इसमें आया 382 लीटर तेल। अब बताओ गलती किसकी है? पढ़ो भाई, समकेत जांच चौकी जलालपुर गोपालगंज में आपका स्वागत है। और भाई बॉर्डर कर दिया दोस्तों हमने पार और पढ़ने वाला है तीसरा कमेंट। दिया गया दाल, दाल तड़का भी डाल। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी आपका भाई आ गया दोस्तों रिलायंस पेट्रोल पंप कसिया। और दोस्तों हमारी गाड़ी शनिवार को शाम को 6:30 बजे लोड हो गई थी सीतापुर से रस्सा तिरपाल करके मस्त करके आपका भाई चल दिया था भिटरिया तक आए थे दोस्तों। मतलब हम लखनऊ पार करके भिटरिया 3:30 बजे पहुँच गए थे रात को और वहाँ लगा के गाड़ी सो गए थे और सुबह चले थे। शनिवार की सुबह चला था आपका भाई विश्वकर्मा पूजा थी, उसे विश्वकर्मा पूजा वाले दिन हम दोस्तों पहुंच गए थे अयोध्या। भाई अयोध्या टोल जैसी पार किया वहाँ जाके हमारी गाड़ी का बैरिंग फूट गया, हब का क्रोन वाले एक्सल का बैरिंग फूट गया था, ड्राइवर साइड का छोटे वाला बैरिंग फूट गया। फिर उसे ठीक कराया, ठीक कराने के बाद दोस्तों हम टाटा मोटर्स में गाड़ी लेके गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी थी गारंटी पे, नई गाड़ी है तो गाड़ी गारंटी पे थी। तो इसका काम कराया दोस्तों सबसे पहले हमने टाटा मोटर्स पे। इसके अंदर जो एक्सल रहता है ना दोस्तों हब वाले, ये जो है क्रोन का एक्सल है, क्रोन वाला एक्सल है, तो इसके अंदर एक एक्सल रहता है जीरी वाला अपना एक्सल रहता है, उसको चेंज करवाया क्योंकि उसमें हल्का बैंड आ रहा था। अभी मतलब क्लेम नहीं हुआ उसका, गाड़ी के अंदर रखा है वो हमने, क्लेम नहीं हुआ क्योंकि उसका क्लेम हमारा मुजफ्फरनगर में हुआ, बाकी वहीं जाके देखेंगे क्या होने वाला है। और भाई बैरिंग फूट गया तो भाई बहुत लफड़ा रहा, पूरा संडे हमारा ख़राब हो गया। संडे की मंडे को टाटा मोटर्स खुला, मंडे की शाम को फॉर्मेलिटी करी बस उन्होंने दोस्तों, कोई काम नहीं किया टाटा मोटर्स वालों ने, फॉर्मेलिटी करी बस, जैक उठवाया, क्रोन चेक किया, क्रोन हमारा ओके था। पहले मेरे को शक हो रहा था दोस्तों क्रोन में से आवाज़ ना आ रही हो यार, मेरे को डर लग गया, कोई नई गाड़ी है भाई दिक्कत तो करती है, अगर कुछ भी आवाज़ आती है ना दोस्तों दिल धक धक करने लग जाता, बदनामी होती है ड्राइवर की। अगर हमारा हल्का हमारा था हल्का भी डिसीजन गलत रहता तो हमारी बदनामी होनी थी। तो फिर हमने वहाँ क्रोन चेक कराया, हमारा एक्सल जीरी वाला वो हमारा क्लेम होगा दोस्तों मुजफ्फरनगर जाके। तो भाई देख रहे हो हमारे ब्लॉग भी मिस हो गए, दो ब्लॉग हमारे मिस हो गए क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला। टाइम के साथ साथ मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिम्बा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, दोनों भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। साला लोंडियाबाजी करता है दोस्तों, ये करता है लोंडियाबाजी आजकल। इसका मन है गाड़ी चलने में, नहीं है इसका मन, इसका मन है लोंडियाबाजी करने में, सबसे बड़ी बात यह है। भाई लड़कियों को देख के आँख मारता है वे अपना आप ही दोस्तों, डी पर मारता हूँ ना आँख मारता है, मतलब लाइट भी फ्यूज़ कर ली इसने अपनी, बदनाम कराएगा ये हमें। हेडलाइट भी हमारी एक बल्ब फ्यूज़ हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा सिम्बा दोस्तों मुजफ्फरनगर में दिखा देंगे एक बार टाटा मोटर्स में, क्लेम हो जाएगा जाती कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। और दोस्तों हमने चक्के भी ग्रीस कराए थे अभी कुछ टाइम में ही, ग्रीस कराए थे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चक्के ग्रीस को। तो तब भी यार दोस्तों ना ये ना जो हवा है सारे गर्म कर रहा है, पर वो भी दिखाएंगे, मालिक बोल रहे थे कि वो ग्रीस बढ़िया नहीं है, कैस्ट्रोल का ग्रीस लगवाएंगे। हमने कैस्ट्रोल का ग्रीस लिया था दोस्तों 900 रुपये किलो, बहुत पावरफुल ग्रीस है, बहुत बढ़िया ग्रीस है वो कैस्ट्रोल का। तो वो ग्रीस कराएंगे भाई, तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी दोनों की, दोनों लुड़के पड़े थे। फैजाबाद में हमारे सब्सक्राइबर भाई भी मिलने आए थे तो वो भी ज़्यादा शूट अप नहीं किया, मतलब कोई शूट नहीं था भाई हमारा क्योंकि भाई तबीयत ही ख़राब हो रही थी, बुखार में गिल्ला पड़ा था भाई। मैं एक मेडिसिन खाई पूरी कल, मतलब 5:30 बजे गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ था, मैंने एक मेडिसिन खाई, पूरा दिन मैं रजाई ओढ़ के सोया, पूरा पसीने पसीने में तरो रखा था, पूरी बदबू आ रही थी शरीर से। फिर सारे कपड़े धोए हमने A to Z जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े धो के एकदम ओके। अब डलाएंगे दोस्तों डीजल, टंकी कराएंगे फुल और फिर निकलेंगे। हमारा सफ़र है गुवाहाटी का क्योंकि हमारी गाड़ी में माल है गुवाहाटी का, और जो माल होने वाला है वो दोस्तों मैं कल बताऊंगा आपको, मतलब कंपनी में पहुंच के बताऊंगा क्या माल है। हमारी गाड़ी का रेट लगा है 350, बाब निकलेंगे दोस्तों, बस तेल भरवाते हैं आपको भाई। मतलब यार दोस्तों मैं इसलिए परेशान हो गया क्योंकि यार सारे एक्सल सारे हब ना जो गर्म हो रहे हैं यार, अभी ग्रीस कराया 3 महीने से यार। एक तो वेट इतना दे दिया है ना टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में 40 टन, तो ये वेट के हिसाब से मेरे को तो यार गाड़ी सूटेबल नहीं लगी, बाकी सब बोलते हैं सूटेबल गाड़ी है, बट यार इतना जल्दी बैरिंग तोड़ना अच्छी बात नहीं है। बट बाकी अभी तो हब ठंडे ही हैं क्योंकि भाई अभी तक तो गाड़ी चलाई नहीं, रात के 2 बजे खड़े हैं हम यहाँ, तो अब चलने का तैयारी है। चलो तेल डलवाते पहले। और टंकी हो गया फुल टैंक, अब के भाई का टैंक हुआ है 34,300 लीटर। ये देखो टंकी, देखो फुल टैंक दोस्तों, टंकी वाले जो टाटा मोटर्स बताती है हमारी टंकी 380 लीटर की है और इसमें आया 382 लीटर तेल। अब बताओ गलती किसकी है, अब इसमें गलती बताओ टाटा मोटर्स वालों की कि रिलायंस पेट्रोल पंप वालों की, कमेंट्स करके बताना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये देखो हमें गिफ्ट में आज क्या मिला, रिलायंस पेट्रोल पंप वालों ने दिया है हमें मग्गा दे के हमको पटाया जा रहा है। बट यार हमें रिलायंस पे ही तेल लेने को बोल रखा है,
बहुत बढ़िया तेल बताते हैं रिलायंस का। कुछ लोग बोलते हैं कि रिलायंस का तेल अच्छा नहीं है, बट हमको ठीक लगता है भाई, जो मालिक दिला रहा है मालिक को ज़्यादा नॉलेज होगी भाई। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको मीटर प्लेट भाई, 1434 किलोमीटर गाड़ी चल रखी है और 2.8 का एवरेज है। पूरा मीटर न्यूट्रल मारने वाले हैं, पूरा मीटर न्यूट्रल मार दिया और अब चलने की तैयारी है दोस्तों, कुछ टाइम बाद चलेंगे। और सिम्बा को लेके निकल गए हैं दोस्तों बॉर्डर के लिए, बॉर्डर जस्ट यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास होगा। और अभी जस्ट आएगा हमारे आगे टोल टैक्स के साथ साथ दोस्तों आपके भाई ने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि भाई ब्लॉग किस टाइम चाहिए आपको दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों इस ब्लॉग में। दोस्तों कमेंट सबको करना है, जितने भी सब्सक्राइबर है जो व्यू करते हैं मतलब अपने भाई का ब्लॉग देखते हैं, आप सारे डिसीजन कर लो भाई कि कौन से टाइम पे ब्लॉग आना चाहिए, क्योंकि भाई मैं ब्लॉग का कोई टाइम ही नहीं रख पा रहा हूँ। जब से टाइम बिगड़ा है ना, जब से ब्लॉग टूटने लगे हैं तब से कोई टाइम ही नहीं आ रहा है। दोस्तों एक टाइम सजेशन में डाल दो कि भाई इतने बजे ब्लॉग आना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता देना कितने बजे ब्लॉग आना चाहिए। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैंने लाइक भी नहीं कराया दोस्तों इसलिए एक भी कमेंट को, क्योंकि कमेंट है बहुत सही। मैं सोच रहा हूँ कि खाली होने का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, खाली हो जाऊँ तो मैं कम से कम तो 10-15 कमेंट्स का आंसर करूँ मैं एक ब्लॉग में, ये सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया कमेंट्स हैं। एक भाई ने लिखा है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बनाओ, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये जरूर मैं आपको आंसर करूंगा। और भाई अभी जो आपके भाई की गाड़ी में डीजल आया 382 लीटर, तो दोस्तों ऐसा है कि एक टंकी जो है हमारी 410 लीटर के आसपास है, वैसे 400 लीटर की पास होती है ये टंकी, बस इसमें 20 लीटर एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि ऊपर जो थोड़ी थोड़ी जगह बची रह जाती है ना, तो उस करके इतना आ जाता है 420। तो एक 382 लीटर आया है डीजल टैंक में, तो अभी तो चल ही रहे हैं दोस्तों, बॉर्डर पे पहुँचे गए, तो इसलिए भाई मैं आपके आंसर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कमेंट बहुत सारे सही हैं, इसलिए मैंने लाइक भी नहीं करे। अगर लाइक करूँगा तो वो सारे गायब हो जाएंगे, इसलिए मैंने लाइक नहीं किया। फाइनली भाई विजिट कर गया दोस्तों आपका भाई ढाबे पे, और अभी रोटी खाने के लिए आए हैं, ट्रक वहीं खड़ा कर दिया पार्किंग प्लेस में, वहाँ अपना पार्किंग प्लेस हो गया, ये अपना ढाबा हो गया, और यहाँ खाएंगे रोटी अभी। और ग्रीस करवाना है दोस्तों गाड़ी में, ग्रीस करवाने के लिए चाचा को भेज दिया ऊपर आ रहे ग्रीस, और अभी हम खा रहे हैं रोटी। आ जाओ रोटी में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और ये देख लो दोस्तों हमारी आ गई दाल तड़का। दाल यार घी डाल डाल देगी, और ये हमारी रोटी होगी, कोई बात नहीं हम डाल ले तो खा लेंगे। मजा आ गया दोस्तों खाना खा के, आज बड़े दिनों बाद खाया खाना होटल का। ठीक है दोस्तों खाना खाने के बाद मिलता हूँ मैं आपको। और भाई रोटी पानी खा के आ गए हैं आपका भाई अपनी गड्डी पे, और ये देखो भाई ग्रीस कर दिया चाचा ने एकदम ओके भाई, ग्रीस एकदम ओके है, पिनों से बाहर निकल रहा है, मस्त हो रखा है। और हमने किए हैं दोस्तों कमेंट पिक 4, हमने आज भी कमेंट पिक किया है 4, और देख लो गाड़ी कैसी लग रही है भाई। इस बार जो रसद त्रिपाल गया ना एकदम सेक्सी कर रखा है, सेक्सी बोले तो सेक्सी। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर और पढ़ते हैं कमेंट भाई। फर्स्ट कमेंट है दोस्तों अपना दीपक सिंह भाई का, बोल रहे हैं कि भाई 55-30 में 6 चक्का घोड़ा सबसे ज़्यादा बिक रहा है। हाँ भाई ये बात सही है कि भाई 55-30 में 6 चक्का घोड़ा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, और 10 टायरा कंपैरिजन करें तो भाई पहले भी बताया भाई 10 चक्के का कोई तोड़ नहीं है भाई, 10 चक्का घोड़ा 10 चक्का ही है भाई, हर चीज़ झटका झेल लेता है वो। अभी जैसे मेरी गाड़ी के बैरिंग टूट गए तो भाई 10 चक्के के नहीं टूटते, 2 साल तो मान लो कि भाई गाड़ी को देखना नहीं पड़ता नए, अपना टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का खर्चा कराते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये रहता है गर्मी ढेर हो रही है भाई सब सस्ते के चक्कर में रहते हैं भाई, 40 लाख रुपए का है वो 22 टायरा 10 चक्का घोड़ा, और 6 चक्का 35 का है, तो भाई 5 लाख बच रहे हैं ना, तो उस चक्कर को सोचते हैं लोग। अब ये नहीं देखते कि भाई क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं, भाई ड्राइवर किस में सेफ है ज़्यादा भाई, ये झोंक मारते सबको पता है, कच्ची गाड़ी है ये 40 टन में
बट कोई बात नहीं, चल रहा है, जब तक चल रहा है तो बढ़िया है। दोस्तों मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि भाई गाड़ी बनाओ तो 10 चक्का घोड़ा बनाओ भाई, एंड तक सेफ रहेगा, एंड तक आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी, अच्छे रेट में जाएगी। सेकंड कमेंट है दोस्तों ओम प्रकाश भाई का, वो बोल रहे हैं कि भाई सिंगल चेसिस गाड़ी सही रहेगी या घोड़ा। भाई जिस चीज का आपके पास माल है गाड़ी तो वो ही सही रहेगी। अब आपके पास टेलर का माल है तो भाई टेलर बढ़िया रहेगा, और आपके पास सिंगल चेसिस का माल है तो भाई सिंगल चेसिस गाड़ी बढ़िया रहेगी। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपको नए नए मार्केट में उतर रहे हो तो भाई घोड़ा ही बना लो, नए नए मार्केट में उतर रहे हो, आपके पास खूब सारा पैसा है तब सजेशन करूंगा भाई, तब गाड़ी बनाना, वरना मत बनाना। अगर आपके पास खूब पैसा है तो बनाना भाई गाड़ी, तो आपकी गाड़ी आराम से पास हो जाएगी। अगर आप, क्योंकि घोड़े का माल आसानी से कहीं भी मिल जाता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर थ्रू मिल जाता है, नए नए ट्रांसपोर्टर से भी मिल जाता है माल, घोड़े का माल अवेलेबल रहता है। बट ये है कि एक दो दिन तो खड़ी रहती है अब गाड़ी, क्योंकि अब माल थोड़ा कम हो गया है, पहले तो एकदम माल मिल जाता था। जैसे सीज़न चलेगा, अब ये सीज़न चालू होने वाला है, अक्टूबर में चालू हो जाएगा सीज़न, तो अपना फिर माल ही माल है। और दोस्तों अब कमेंट रह गया दो बॉर्डर पे मिलते हैं, चलो बॉर्डर पे चलते हैं। अब बॉर्डर यहाँ से रह गया 1.5 किलोमीटर है, बॉर्डर पे चल के दो कमेंट के आंसर देंगे। ये पढ़ो भाई, समकेत चाँद चौकी जलालपुर गोपालगंज में आपका स्वागत है, वेलकम टू उदयपुर विभाग, खनन विभाग, ये सारे इतने विभाग हैं भाई। ये बॉर्डर है, अगर ये निकाल लिया दोस्तों आपके भाई ने 20 रुपये। उस वो जो वहाँ खड़ा है ना, उसको देने पड़ते हैं देखो 20 रुपये। अरे ऐसे ही देने पड़ते हैं भैया, वरना भाई वो उसको पावर दे रखे हैं ना दोस्तों, पावर दे रखे हैं कि भैया आपको गाड़ी चेक करनी है, खोल के हो भी रास्ता तिरपा। अस तो बॉर्डर पे बहुत चेकिंग चल रही भाई, देखो पीछे सिस्टम में देखो, देख ही नहीं रहा, खैर बहुत गाड़ियां रुकी पड़ी भाई आज, कुछ तगड़ा ही चेकिंग चल रही। भाई बॉर्डर कर दिया दोस्तों हमने पार, और पढ़ने वाला है तीसरा कमेंट। इतना सा काम कराने के लिए दोस्तों टाइम पता कितना हो गया, अभी गाड़ी चलाई कम से कम 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर में टाइम हो गया 4, देख रहे हो 11 बजे निकला था, बज गए 4, रोटी पानी खा के इतना टाइम हो गया, मतलब ग्रीस व्रीस करा के कितना टाइम हो गया, बॉर्डर पे लाइन लगी हुई थी ना आज, तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, बट कोई बात नहीं। तीसरा कमेंट है साहिल गुज्जर भाई का, गुज्जर भाई बोझ ले हैं भाई जी कि आने वाले टाइम में ट्रक का क्या काम होने वाला है। तो आने वाले टाइम में ट्रक का काम कैसा रहने वाला भाई, कुछ अंदाजा? कैसा भी नहीं रहने का, अभी नहीं कुछ है। तो मतलब देख लो कंडक्टर, मतलब सेकंड ड्राइवर ने हमारे बता दिया आने वाला टाइम भी ऐसा ही, मतलब अभी दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जैसे रेलवे लाइन होगी, अब ज़्यादा करके सामान जो जा रहा है ट्रांसपोर्ट का, व्हीकल्स का काम जा रहा है वो ट्रेन के अपार्टमेंट में जा रहा है, ट्रेन डिपार्टमेंट में, तो रेलवे डिपार्टमेंट में जा रहा है। और भाई लोगों को सस्ता काम ज़्यादा पसंद होता है, अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं इसमें हल्का पानी लग जाता है माल में तो इसके पैसे तो हम हमारे से कट जाते हैं 4-5 हज़ार, पर रेलवे में जो जाता है माल उसमें अगर आप पूरा माल भी भिगा के पहुँचा दोगे तब भी भाई वो 1 रुपया नहीं कटने का ट्रेन डिपार्टमेंट का, ये बात है। बाकी आने वाला टाइम को भगवान ही बता सकता है वहाँ, बट हमें लगता है भाई आने वाला टाइम बहुत बेकार होने वाला है। लास्ट कमेंट है भाई हमारा अतोज उत्तर प्रदेश भाई का कि भाई ये वक्त में 22 चक्का लेना सही है। भाई आपके पास खुला पैसा है तो मैं आपको सजेशन करूँगा हाँ भाई लेना अच्छी बात है, बट आपके पास 7-8 किस्तों के पैसे एडवांस होने चाहिए जो एंड टाइम पे आपको सहारा दे, सहारा के साथ साथ गाड़ी कोई गड़बड़ हो जाए तो वो आपको सपोर्ट करे। बाकी गाड़ी बना लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 साल बाद ही पैसे देगी, जब तक फ्री नहीं होती गाड़ी तब तक आपको 1 रुपया नहीं देने की, आपको घर से ही लगाने पड़ेंगे, कागज सब महंगा चीज़ है, आजकल सब चीज़ महंगी हो गई है, तो भाई मर्जी है। बाकी आपको काम में घुसना है तो अच्छा काम है, बुरा काम भी नहीं है, क्योंकि भाई सब ट्रक बना रहे हैं, अभी मुजफ्फरनगर में 10-12 घोड़े आ रखे हैं, तो भाई बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको गाड़ी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बाकी मैं तो बोलता हूँ भाई माल भी मिल जाता है, थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं, माल ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना है पैसा है तो बना लो। इतने सारे कमेंट के आंसर दे दिए आपके भाई ने और टाइम भी 4 बज गए, और देखो पसीना आ गया भाई, क्योंकि इससे चढ़ा के देना पड़ता है ना आंसर, वरना पीछे से हल्ला आता है, तो इस करके पसीने में भीग जाता है आपको भाई। दोस्तों आज का ब्लॉग हम जल्दी एंड करेंगे और मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मतलब आज का नाइट ब्लॉग बनेगा हमारा सेकेंड ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट भाई, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात जो भाई बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि भाई कितने बजे ब्लॉग आना चाहिए, तो भाई वो मेरे को एक बार आप हिंट दे देना सारे के सारे, जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने जल्दी समझ जाऊंगा कि मुझे इतने बजे ब्लॉग डालना है। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, 4 बजे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग, बाय बाय।